पेमेंट तो आपको आज ही करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी सर, भारत के सिविल डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। आवाज बहुत आ रही है, पहले आप कांच में चले जाओ। सर क्या बोल रहे हो आपके तरफ से आवाज है वो बहुत हो रही है, थोड़े कांच में। हेलो, हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ भारत पे के सिविल डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। सर आपने लोन ले रखा है ना? कौन सी लोन? तो सर आप पेमेंट क्यों करवा रहे हैं? जब पॉकेट में पैसे होंगे कर देंगे। सर लोन आपने ये तो सोचकर नहीं दिया है कि जब पॉकेट में पैसे होंगे तभी लोन। सर क्या इस द्वारा सर प्रॉब्लम तो बता सकते हैं आप? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है सर? एक दिन की बात नहीं है, आप 6 महीने से पेमेंट नहीं करवा रहे हैं आप। मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, कैसे करूँ? सर टाइम ले तो हम क्या करें? सर आप पेमेंट कर दीजिए, हमें जरूरत ही नहीं कॉल करने की। आपने हमको देने से पहले इतना कह के क्या किया नहीं किया ना? सर क्या बोल रहे हो आप? पैसे देने वक्त में आप ऐसे थोड़ी बोले। तो सर आपने ले रखा तभी तो हमने कॉल किया है। भारत पे से लोन ले रखा है ना आपने, 6 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया है। कर देंगे, 1 साल बाद कर देंगे। सर नहीं कर सकते सर, आप ही पेमेंट करवा दीजिए, हम कॉल नहीं करेंगे आपको। आपको बोल रहे 1 साल बाद हम कर देंगे पेमेंट। सर 1 साल का हमने टाइम नहीं ले रखा है। ओके सर, पेमेंट तो आपको आज ही करनी पड़ेगी। सुनिए ना, आपका काम है, आपका काम है हमको बोलने के लिए। आप बोलिए ना, आप अपने बॉस को बोलिएगा कि बोल दिए, हो गया मैनेजमेंट। सर ऐसे थोड़ी ना होता है कि बोल दिया। सर हमारा काम है पेमेंट करवाना कस्टमर से, बोलना नहीं काम है। आप अपने बॉस से बोल दीजिएगा कि कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ बना के बोल दीजिएगा मेरे तरफ से अपने लिए। सर आप क्या मेरे रिलेशन की तरफ से बना के आपके लिए बोल दूँ? बन जाएंगे रिलेशनशिप में। सर आप पेमेंट करवा दीजिए, फालतू की बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ओके सर, आप कर लीजिए ना फालतू का बात। आप अपना पर्सनल नंबर लिखवा दीजिए। हेलो, 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 हाँ सर, पेमेंट कब तक करवा रहे हैं आप? कर देंगे जब आप बोलोगे तब कर देंगे। तो सर आज ही पेमेंट कर दीजिए। ओके सर, बोल तो रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। सर आएंगे नहीं सर? हाँ सर करेंगे, इतना टाइम नहीं है। आओगे तभी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ भारत पे से बोल रहे हो? हाँ जी बताइए। अरे कर देंगे पेमेंट। सर कब करोगे? जब आ जाएगी। आएगी कब पेमेंट? अरे अभी क्या बताएं, राहुल गांधी का इलेक्शन है ना, वो पीएम बनने वाले 2024 में। अच्छा अच्छा, तब उसके बाद आएगी। तो उसके बाद आएगी? उसके बाद आप यहाँ पे दुनिया में रहेंगे? फिर नहीं रहे तो फिर माफ हो जाएगा, रहेंगे तो दे देंगे। माफ कैसे होगा? माफ कैसे होगा? आपके घर वाले से ले जाएगा फिर तो? आप ऊपर आके ले लेना, एक काम करना, ऊपर हिसाब कर लेंगे। ऊपर ऊपर आके क्यों लेंगे सर? हमारी इतनी हैसियत नहीं है ना आपके लेवल पे आने की। तो आप घर वालों से कहाँ ले पा रहे हो? आपने सर हमारी इतनी हैसियत नहीं है आपके लेवल पे आने की। अच्छा अच्छा, तो जितनी हैसियत है वैसे ले लो फिर। हाँ तो जितनी हैसियत है तो हम आपके घर वालों को फोन करेंगे। तो ऑलरेडी 5-6 बार कर चुके हो, कर लो। मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं की। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ आपके पहले वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो पहले वालों की ना, पहले वाले अलग है और मेरी बात अलग है। ठीक है, मैं तो पहले ऐसा नहीं हूँ। कर लो, निकाल सको तो निकाल लो। कर लेंगे जब निकालना होगा निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। चलो तो आप रिश्तेदारों से ले लो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, फोन रख दीजिए। बाय। ओके ओके, थैंक यू जयलाल। बाय, लव यू। अरे फोन रख दे, चल चल।
चल रे फोन चल फालतू इंसान, अभी तेज बोलूंगा ना उधर चट्टी निकल जाएगी तेरी। अरे फालतू इंसान फोन रख चल, ले अपने चाचा से बात कर, तेरा बाप है क्या? हेलो हेलो, सांप सुन गया क्या? तेरा बाप है क्या वो? हम दोनों आपके पापा है। ओहो हो, ऐसे मत करो यार। हेलो हाँ जी सर, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे आप? अभी आप किसको दिए थे कॉल उसको दीजिएगा थोड़ा बात। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ ना, बताइए उससे पूछिए, उसके तीन तीन पापा है क्या? एक तो उसके घर पे है, दो यहाँ पे है। तेरे के 10 बाप है ये बता दे, तेरे 10 बाप है, तेरे 10 बाप है तेरे। तुम्हारे 50 लग रहे हैं यहाँ पे, 53 हो जाएंगे। तेरी माँ गई होगी ना 10 के पास, अभी तेरे 10 बाप है। कैसी बात कर रही हो, आपकी नहीं आई है मेरे पास। अबे तेरी माँ 10 के पास गई होगी तभी तो तेरे 10 बाप बन गए। हेलो, अगर तेरी माँ एक पे पास रहती तो एक ही बाप होता। तुम्हारी माँ मेरे पापा के साथ एकदम घपाघप कर रही है। मेरी माँ भी जाएगी, तेरी माँ गई होगी डंडी का करवा के आई भूसड़ी के। मेरे को शक जा रहा है क्या? तुम ना एक छतरी लग रहे हो संजय, तुम्हारे बोली से। क्योंकि जो जो रिकवरी वाली होते ना, वो छतरी की तरह रंडी की तेरी बहन करती है ये काम भूसड़ी के। तेरी बहन अपनी बहनों को तो कोटे पे बेचता हुआ रंडी के। ये बात तेरी बहन रंडी, तेरी माँ रंडी, तुम्हारी माँ बहन यही संस्कार।